स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग सुमो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि ट्रेंडिंग सुमो की वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। साल 1987 में आई मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर और श्रीदेवी की उम्दा अदाकारी को शायद ही कोई भुला पाए। अब यह फिल्म दोबारा बन रही है। पहले नई मिस्टर इंडिया के टीजर आने का डेट भी फाइनल हो गया था लेकिन किसी कारणवश रिलीज नहीं हो पाया। खबरों के अनुसार रणवीर सिंह के साथ मिस्टर इंडिया 2 का एक टीजर भी शूट किया गया है। यह टीजर 26 जनवरी 2020 को रिलीज होना था लेकिन किसी कारण की वजह से इस फिल्म के टीजर को रिलीज नहीं किया गया। हालांकि टीजर को रिलीज ना करने की वजह को गुप्त रखा गया है। खबरों की माने तो मिस्टर इंडिया 2 टीजर में रणवीर फेमस डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ कहते नजर आएंगे। फिल्म के निर्माण से जुड़े एक सूत्र ने यह भी बताया कि बोनी कपूर ने इस स्पिन ऑफ की नेगेटिव्स के राइट्स जी को बेच दिए हैं। जब उन्हें इस टीजर की खबर मिली तो उन्होंने निर्माताओं से इसे कुछ समय के लिए होल्ड पर रखने की मांग की थी। फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने हाल ही में ट्विटर पर इस फिल्म से जुड़ी कुछ जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं इस फिल्म में जी के साथ पार्टनर बनने के लिए काफी उत्सुक हूं। ऐसे आइकॉनिक फिल्म को दोबारा पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि इसे दर्शकों ने तब बहुत प्यार दिया था। फिलहाल मैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूं। कोई भी एक्टर इस फिल्म के लिए अब तक चुना नहीं गया है। एक बार हम स्क्रिप्ट तैयार कर ले उसके बाद फिल्म की कास्टिंग शुरू होगी। फिलहाल मामला फिल्म के टीजर को लेकर उठा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस टीजर वीडियो में रणवीर सिंह मोगैम्बो खुश हुआ बोलते सुनाए जाएंगे लेकिन टीम और वो जिस तरह से चाहते हैं अभी वैसा नहीं हो पाया है। अब बताया जा रहा है कि टीजर जल्दी रिलीज किया जा सकता है। बात करें इस फिल्म के आइकॉनिक किरदार मोगैम्बो के उस डायलॉग की जिसके कारण टीजर की रिलीज में देरी हो रही है तो उसे अमरीश पुरी ने इस तरह से बोला था कि अब उस छवि को तोड़ पाना काफी कठिन होगा। आपको बता दें इस फिल्म को लेकर इस फिल्म के मुख्य अदाकार अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने रिमेक पर आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, मुझसे बहुत से लोग मिस्टर इंडिया के रिमेक के बारे में पूछ रहे हैं। सच कहूं तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। यहां तक कि मेरे पिता को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं। हमें इस बात का पता तब चला जब अली अब्बास ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि इस बात को गुप्त रखा गया लेकिन अगर यह सच है तो किसी ने मेरे पिता और शेखर अंकल से इस विषय पर चर्चा नहीं की है जिन्होंने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ और सुनो ट्रेंडिंग खबरों के लिए यहां वहां मत घूमो, सब्सक्राइब करो ट्रेंडिंग सुमो।